जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में शिव भक्तों पर हमला करने वाले आतंकियों के खिलाफ अब तक सबसे बड़ा ऑपरेशन शुरू हो गया है। इसके लिए दक्षिणी कश्मीर के कई जगह सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि हमले का मास्टरमाइंड पाकिस्तानी आतंकी अबू इस्माइल और उसके 3 साथी सुरक्षा बलों के रडार पर हैं। इस्माइल को अंजाम तक पहुंचाने के लिए अमरनाथ यात्रियों पर आतंकी हमले की जगह के 50 किलोमीटर के दायरे में स्पेशल ऑपरेशन चलाया जा रहा है। 250 जवान इस ऑपरेशन में शामिल हैं। सरकार की तरफ से सेना को फ्री हैंड दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत ने अमरनाथ यात्रियों पर हुए हमले से जुड़ी डिटेल रिपोर्ट NSA अजित डोवल को सौंप दी है। सिक्किम में सीमा पर तनाव के बीच चीन ने एक बार फिर कश्मीर पर भड़काऊ बयान दिया है। चीन ने कहा है कि वो कश्मीर पर भारत पाकिस्तान के रिश्तों को सुधारने के लिए रचनात्मक भूमिका निभाने को तैयार है, जहां के हालात ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान अपनी तरफ खींचा है। चीन ने कहा कि नियंत्रण रेखा यानी LOC पर विवाद दक्षिण एशिया क्षेत्र के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन इस दौरान चीन ने अमरनाथ यात्रियों पर हुए आतंकवादी हमले पर कुछ नहीं कहा, जबकि दुनिया के कई देश इस घटना की निंदा कर चुके हैं। कश्मीर को लेकर भारत का रुख हमेशा से साफ रहा है। भारत का हमेशा से ये मानना है और वो हमेशा से ये कहता आया है कि कश्मीर भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय मामला है, जिसमें किसी तीसरे देश की मध्यस्थता की कोई गुंजाइश नहीं है। वहीं चीन के साथ सीमा पर तनाव से जुड़े मामले पर विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने 14 जुलाई को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। ये बैठक 14 जुलाई को शाम 5 बजे गृह मंत्री राजनाथ सिंह के आवास पर होगी। इसमें विपक्षी दलों के अलावा मंत्रियों को भी बुलाया गया है। देश के 8 राज्य इन दिनों बाढ़ की चपेट में हैं। करीब 50 लाख लोग इससे प्रभावित हैं। सबसे ज्यादा खराब हालत असम की है। यहां बाढ़ की वजह से अब तक 39 लोगों की मौत हो गई है। ब्रह्मपुत्र समेत राज्य की 10 नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। असम के 33 में से 24 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। करीब 2500 गांव डूब चुके हैं। 140,000 हेक्टेयर फसल बर्बाद हो गई है। काजीरंगा पार्क में हालात और ज्यादा खराब हैं। यहाँ बाढ़ का पानी बढ़ता ही जा रहा है, जिससे जानवर जंगल छोड़कर भाग रहे हैं। मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने नाव से जाकर खुद काजीरंगा पार्क का जायजा लिया। वहीं नागालैंड के दीमापुर में भी तेज बारिश के चलते अचानक पुल ढहने से 5 लोगों की मौत हो गई। मणिपुर में बाढ़ से आम जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। इधर उत्तराखंड में भी भारी बारिश से कई जगह बाढ़ के हालात हो गए हैं। मौसम विभाग ने उत्तराखंड में अगले 2 दिन भारी बारिश की चेतावनी दी है। यूपी में भी वाराणसी, इलाहाबाद, बाराबंकी, महाराजगंज सहित कई जिलों में बाढ़ के हालात हैं। अमरनाथ यात्रियों पर आतंकी हमले को लेकर राहुल गांधी के पीएम नरेंद्र मोदी पर किए गए हमले का बीजेपी ने पलटवार किया है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि राहुल गांधी विदेश से छुट्टियां मनाकर देश वापस लौटते हैं तो उन्हें एक बयान देने की जरूरत पड़ती है, इसीलिए वो पीएम मोदी पर हमला करते हैं। स्मृति ईरानी ने कहा कि आज पूरा देश आतंकवाद के खिलाफ एकजुट है। ऐसे वक्त में राहुल गांधी पीएम पर हमला कर रहे हैं। स्मृति ईरानी ने जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के लिए नेहरू गांधी परिवार की नीतियों को दोषी बताया। तुच्छ राजनीति का एक प्रमाण दिया है राहुल गांधी जी ने, जब नरेंद्र भाई मोदी ही नहीं बल्कि पूरा देश आतंकवाद के खिलाफ एक गंभीर युद्ध लड़ रहा है, तब राहुल जी का इस प्रकार से कटाक्ष करना अपनी छुट्टी से लौटने के बाद इस बात का संकेत है कि वो कोई भी मौका राजनीति करने का नहीं छोड़ेंगे। राहुल गांधी ने अमरनाथ हमले को लेकर पीएम मोदी पर आरोप लगाया था कि पीएम की गलत नीतियों की वजह से कश्मीर में आतंकियों को जगह बनाने का मौका मिला। राहुल ने कहा कि पीएम मोदी के व्यक्तिगत फायदे के लिए निर्दोष भारतीयों की जान जा रही है और भारत को रणनीतिक तौर पर हार मिल रही है। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के सुरक्षा कर्मियों ने पटना में पत्रकारों से मारपीट की। तेजस्वी जब सचिवालय से बाहर निकल रहे थे तो पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछने की कोशिश की। इसी दौरान सुरक्षा कर्मियों ने पत्रकारों पर हमला कर दिया। कई गुंडे जो मीडिया में आ गए हैं उनको दिन पर दिन से निराशा हो रही है, नहीं रहा। लिए हम मीडिया के लोग गुंडे कैसे हैं? आपके सुरक्षा कर्मी गुंडों जैसा बिहेव कर रहे हैं। इससे पहले तेजस्वी ने अपने खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों को बीजेपी की साजिश बताया। 2004 का मामला, 14-15 साल उम्र होगी, हम गलत काम करेंगे। जब मेरा मूंछ भी नहीं आया था तो हम गलत काम करेंगे। भ्रष्टाचार के मामले में तेजस्वी के खिलाफ CBI का केस दर्ज होने के बाद बिहार में महागठबंधन की सरकार पर सवाल खड़े हो गए हैं। JDU ने तेजस्वी को सफाई देने के लिए 4 दिन का समय दिया है।
पश्चिम बंगाल में सांप्रदायिक हिंसा की घटनाओं को लेकर बीजेपी आज दिल्ली में सेव बंगाल मार्च निकालेगी। ये मार्च शाम 4 बजे से निकाला जाएगा, जो राजघाट से शुरू होकर बीजेपी दफ्तर पर खत्म होगा। इसी बीच कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार से कहा है कि वो बदुरिया और बसीरहाट दंगे के सभी आरोपियों को गिरफ्तार करे। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से ये भी कहा है कि वो दंगे से प्रभावित लोगों को सुरक्षा मुहैया करवाए। कोर्ट ने राज्य सरकार से कहा है कि वो हालात को सामान्य करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा हलफनामे के जरिए दे। इसके लिए ममता सरकार को 21 जुलाई तक का समय दिया गया है। राज्य सरकार की तरफ से आज पहली बार कहा गया कि दंगों को लेकर 32 केस दर्ज किए गए हैं और 66 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। एक और याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने दंगे की जांच NIA से कराने की मांग पर केंद्र सरकार का पक्ष मांगा है। केंद्र को इसके लिए 21 जुलाई तक का समय दिया गया है। इस बीच पश्चिम बंगाल CID ने फर्जी वीडियो सोशल मीडिया पर डालने के मामले में आसनसोल से बीजेपी के एक नेता को गिरफ्तार किया है। दार्जिलिंग में एक बार फिर हिंसा हुई है। बीती रात यहां भानु भवन के पास पर्यटक सूचना दफ्तर को आग लगा दी गई। इसके अलावा कल गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के समर्थकों ने कल हाइडल प्रोजेक्ट में काम करना बंद कर दिया, जिसकी वजह से NHPC के 4 प्रोजेक्ट ठप हो गए हैं। GJM समर्थकों ने अशोक तमांग नाम के कार्यकर्ता के शव के साथ मार्च भी निकाला। आरोप है कि पुलिस की फायरिंग में अशोक तमांग की मौत हुई है। अशोक 8 जुलाई को भड़की हिंसा के दौरान घायल हो गया था। अलग गोरखा लैंड की मांग को लेकर GJM 15 जुलाई से आमरण अनशन का ऐलान कर चुका है। राजस्थान के नागौर में गैंगस्टर आनंदपाल सिंह के एनकाउंटर की CBI जांच की मांग को लेकर लोगों ने हंगामा किया। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने पुलिस पर हमला कर दिया और गाड़ियों को आग लगा दी। लोगों और पुलिस के बीच हुई इस झड़प में 10 से ज्यादा पुलिस वाले घायल हुए हैं और एक पुलिसकर्मी लापता बताया जा रहा है। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की एक रिवॉल्वर और AK-47 राइफल भी छीन ली। एक प्रदर्शनकारी की मौत की भी खबर है। घटना के बाद से नागौर में धारा 144 लगा दी गई है। साथ ही नागौर, चुरू, सीकर और बीकानेर में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। वहीं हालात काबू करने के लिए पुलिस के आला अधिकारियों ने नागौर में कैंप डाल दिया है। गृह मंत्री गुलाबचंद कटारिया ने बैठक बुलाकर हालात की समीक्षा की। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे खुद पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं। हथियार खरीद के मामले में सेना को एक बड़ा अधिकार दे दिया गया है। केंद्र सरकार ने फैसला किया है कि अब उप थल सेना अध्यक्ष को 40,000 करोड़ रुपए तक के जरूरी साजो सामान खरीदने का अधिकार होगा। ये साजो सामान किसी भी छोटी कार्रवाई या छोटे युद्ध की हालत में काम आ सकेंगे। इसमें 40 तरह के गोला बारूद, सैनिक साजो सामान के लिए 10 स्पेयर पार्ट्स और 20 तरह के हथियार शामिल हैं। इस वक्त हथियार खरीद की जो प्रक्रिया है वो काफी लंबी है। यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने नोएडा प्राधिकरण की CAG जांच के आदेश दिए हैं। नोएडा के अलावा ग्रेटर नोएडा और यमुना प्राधिकरण की भी CAG जांच होगी। सरकार के आदेश से तीनों प्राधिकरणों के कर्मचारियों में हड़कंप है। तीनों प्राधिकरणों पर भ्रष्टाचार के कई आरोप लगते रहे हैं, इसी वजह से योगी सरकार ने ये फैसला किया है। इससे पहले गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की भी CAG जांच के आदेश दिए गए थे।